आपने कृष्ण और सुदामा की बात सुनी होगी, चर्चे सुने होंगे, किससे सुने होंगे। एक किस्सा मैं सुनाती हूँ, आप सब वाकिफ होंगे पर उसमें से कुछ प्रेरणा ही होगी आपको। दोनों बाल सखा, दोनों ने एक गुरु से शिक्षा ली, एक गुरुकुल में रहे, एक गुरु माँ के हाथ का अन्न खाया, एक जैसे संस्कार प्राप्त किए, पर भाग्य की विडंबना देखिए, एक बन गए द्वारे का अधीश और एक महाकंगाल। ऐसी क्या गलती कर दी थी सुदामा ने जो कंगाली अपने नाम लिखवा लिया। एक बार गुरु मां ने कहा, दोनों लकड़ी चुनने जाते हो, ये चने ले जाओ, भूख लगे तो मिल बात के खा लेना। अब सुदामा थोड़े पेटू टाइप में भूख बहुत लग चुकी थी, कृष्ण पहाड़ी पे कम खाते थे। जंगल में एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गए। सुदामा ने जब कृष्ण की तरफ देखा तो वो आंख बंद करके ध्यान मगन थे। उसने सोचा, एक तो कम खाता है, ऊपर से सो भी गया। फिर उसने चने की पोटली खोली और सबसे बड़ी गलती कर दी, श्री कृष्ण का हिस्सा खा गया और कंगाली अपने नाम लिखवा दी। अटेंशन, अटेंशन देना से, जो गलती सुदामा ने की, क्या वो गलती मैं तो नहीं कर रही? अगर ऊपर वाले ने मेरी थाली में दो रोटी बख्शी है तो एक टुकड़ा, एक निवाला उसका हिस्सा निकालने की ताकत नहीं मुझमें? उसने मेरे जेब में यदि 100 रुपये रखे हैं तो 50 पैसा, 1 रुपया श्रद्धा से उसका हिस्सा नहीं निकाल सकती मैं, नहीं निकाल सकती, उसका हिस्सा है ये, मुझे निकालना चाहिए। उसका तो छोड़ो, यदि यहां मैंने किसी का हक अधिकार मारा तो याद रखिए, एक दिन ऐसा आएगा जब विद पनिशमेंट एक का कई गुणा देना पड़ेगा। कोई नहीं बच सकता यहां, ये कर्म सिद्धांत है, सृष्टि गोल है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। देर हो सकती है परंतु आज नहीं तो कल हिसाब देना ही होगा। इसीलिए भगवान का तो छोड़िए, किसी और का भी हक हिस्सा नहीं मारना। भगवान की तो बहुत बड़ी बात है, इंसान का भी नहीं मारना, बिल्कुल नहीं।